एक्चुअली मैं ये वीडियो में जो अभी आप देखने वाले हो इस पे वीडियो कंटेंट इतना जबरदस्त बना चुका हूँ मैं, लेकिन फिर से उस वीडियो को शूट करना मुझे पड़ेगा क्योंकि उसमें थोड़ा सा वॉइस का इको आया है। तो प्लीज़ आप भी के लिए इस वीडियो को एडजस्ट करना एंड भर भर के प्यार देना आपको, एंड यही वीडियो को आप कंटिन्यू करके देख लेना क्योंकि ये जो वीडियोज़ मैंने बनाया है उसमें बहुत एंड मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है कि मैं वापस एक बार शूट कर पाऊँ। तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को इतना ज़्यादा प्यार दे देना, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट डाला, 30 मिनट का वीडियो है, उसको वापस शूट करना मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो प्लीज उसको वॉच आउट करके अपना प्यार दे देना। टेक केयर गाइस। हेलो गाइस, मैं आपने बहुत ज्यादा डिमांड किया था कि स्ट्रैडल का वीडियो दीजिए सर, स्ट्रैडल कैसे किया जाता है, उसको हेजिंग कैसे बोला जाता है, क्या देखो स्ट्रैडल पहले क्या करते हैं, स्ट्रैडल से पैसे कैसे बनाते हैं, बाद में छोड़ते हैं, पहले ये देखते हैं कि स्ट्रैडल होता क्या है और उसको क्यों किया जाता है, उसका रीजन क्या होना चाहिए। इस तरीके से ये चीजों को पहले समझते हैं, फिर बाकी चीजों को समझेंगे, क्योंकि जब तक हमें स्ट्रैडल ही नहीं पता चलेगा कि स्ट्रैडल का काम क्या है, तब तक स्ट्रैडल सिस्टम में कभी पैसा बनाकर कोई फायदा नहीं है। मतलब गाड़ी तो पता है लेकिन गाड़ी चलाने का तरीका नहीं पता, तो हम क्या बस एक्सीलेटर दबा के अगर गाड़ी चला भी लेंगे तो ठोक देंगे, अगर रुकाने का पता नहीं होगा तो। इसके लिए पहले चीजों को समझते हैं। देखो एक्चुअली में जो स्ट्रैडल होता है उस स्ट्रैडल में इंपॉर्टेंट क्या होता है, इस स्ट्रैडल में हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं स्ट्रैडल में यूज होता है हमारे लिए कि हमें हेज करते पोजीशन को, इसको हम यूज करते ऑप्शन सेलिंग के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन सेलिंग में इसका यूज किया जाता है, ये ऑप्शन बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं है, ये सेलिंग के लिए बिल्कुल भी यूज किया जाता है। और यहाँ पर प्रीमियम को मेल्ट होते हुए हमें देखकर उसका बेनिफिट लेते हैं, जो हमें प्रीमियम को मेल्टिंग होते रहते हैं उसको हम डीके बोलते हैं, प्रीमियम के डीके में उसका बेनिफिट हम यहाँ पर लेते रहते हैं। लेकिन पहले देखो स्ट्रैडल क्या होता है, स्ट्रैडल हम क्या करते हैं किसी एक स्ट्राइक प्राइस का, मतलब एक स्ट्राइक प्राइस पे, मतलब जो हमारा कोई स्ट्राइक प्राइस होगा, सोचो ये कोई स्ट्राइक प्राइस है हमारा कि कोई भी स्ट्राइक प्राइस हो सकता है, इस स्ट्राइक प्राइस में उसी का हम कॉल भी एंड पुट भी बोथ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम बोथ कर देते हैं, सेल ही कर देते हैं, दोनों को भी हम सेल कर देते हैं, दोनों को भी सेल किया जाता है, यहाँ पर भी सेल किया जाता है और यहाँ पर भी सेल किया जाता है, मतलब कॉल और पुट दोनों को भी सेल करना, उसको हम स्ट्रैडल बोलते हैं। लेकिन कौन से स्ट्राइक प्राइस का, एक ही स्ट्राइक प्राइस का, मतलब सेम स्ट्राइक प्राइस का, सेम स्ट्राइक प्राइस इसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सेम स्ट्राइक प्राइस से भी ज्यादा सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका प्रीमियम सेम होने चाहिए, जगह पर प्रीमियम को सेम होना चाहिए, मतलब अगर आपका कॉल का प्रीमियम यहाँ पर आप 400 रुपए पे सेल कर रहे हो तो आपका पुट का प्रीमियम भी 400 रुपए पे होना चाहिए, 8-10 रुपए ऊपर नीचे होगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई चलेगा। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या बोलता है कि मैं जब भी कॉल को सेल करता हूँ उससे पुट का जो प्रीमियम है 10 रुपए कम रखता हूँ, 10 से 12 रुपए कम रखता हूँ, मतलब अगर मैं कॉल 400 रुपए पे शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं पुट यहाँ पर शॉर्ट कर देता हूँ। देखो ये मेरा तरीका बता रहा हूँ, ये स्ट्रैडल नहीं है, ये मेरा तरीका है, 390 रुपए का मैं पुट को सेल कर देता हूँ यहाँ पर। ऐसा क्यों, क्योंकि थोड़ा सा पुट का प्रीमियम कम रखना मेरे लिए थोड़ा सा इजी रहता है ट्रेडिंग करने के लिए। या बताओ 400 रुपए का कॉल को सेल करना, और हम क्या करते हैं अभी के लिए बस तरीके समझ गए ना कि मैं क्यों लिख रहा हूँ, यह हटा देते क्योंकि फिर कंफ्यूजिंग नहीं बनना चाहिए। 400 रुपए का ही यहाँ पर कॉल और पुट दोनों भी हम सेल कर देते। अब एक्चुअली आप बोलोगे सर दोनों भी तो हम सेल करें तो पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि दोनों सेल करने का मतलब है कि दोनों तो एक ही जगह पर पड़ा है तो पैसा कैसे बनेगा, पैसा बनता है कैसे बनता है। देखो अभी यूज कहाँ किया जाता है, ये पहले चीजों को समझते, यूज कहाँ किया जाता है, हमने ये तो समझा कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चूज करना है इसके लिए और क्या चूज करना है। सोचो कि अभी के लिए फिलहाल की अगर बैंक निफ्टी का सिचुएशन को देखते तो बैंक निफ्टी अभी ट्रेड कर रहा है 47,700 के पास ट्रेड कर रहा है। अगर मुझे यहाँ पर एक स्ट्रैडल क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं 47,700 का कॉल एंड पुट दोनों को भी ये जगह पर जाकर दोनों को भी यहाँ पर सेल कर दूंगा, ये मेरे लिए अभी का सिचुएशन रहेगा, यहाँ पर दोनों के लिए मैं सेल कर दूंगा और मेरा ये सिचुएशन रहेगा। लेकिन अब बात है दोनों को, इसमें प्रॉफिट कब होता है और उसके लॉस कब होता है, ये दोनों चीजों को समझना ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब देखो प्रॉफिट इसमें तब होता है कि जब आपका मार्केट साइडवेज जाए या फिर वोलेटिलिटी क्रिएट करे। अगर इस केसेस में अगर आपका मार्केट कहीं ना कहीं अनवांटेड तरीके से मोमेंटम करने लगता है किसी एक डायरेक्शन में तो आपको लॉसेस भी हो सकती है, और वो जो लॉसेस है बहुत ज्यादा हेवी होते हैं। हम क्या करते हैं एडजस्टमेंट को सीखेंगे नहीं, हम इसमें आज एडजस्टमेंट बिल्कुल भी सीखेंगे नहीं, हम ओनली और ओनली आज सीखेंगे कि मार्केट को बस कॉल और पुट सेल करने के बाद स्ट्रैडल को कैसे हैंडल किया जाता है इतना ही सीखेंगे। जब स्ट्रैडल से बाहर मार्केट जाने लगता है तब हम यहाँ पर एक रेंज क्रिएट हो जाती है, तो हम पोजिशन को स्टार्ट में रोल ओवर करके उसको एडजस्टमेंट किया जाना बहुत सारी चीजों को दिक्कत किया जाता है। लेकिन इस फेजेस में हम यहाँ पर ओनली स्ट्रैडल को समझेंगे। देखो अब मेरे पास रेंज क्या है, 47,000 का यहाँ पर 700 का मैंने कॉल और पुट दोनों भी सेल किया है तो मेरा प्रॉफिट कब होगा और लॉस कब होगा, यहाँ पर एक रेंज बनाई जाती है, एक रेंज क्रिएट जाती है। मतलब अगर ऊपर के साइड में 300 पॉइंट को पकड़ लेते और नीचे के साइड में 300 पॉइंट, मतलब रेंज क्या हुआ 47,000, 47,700 तो 48,000,
48,000 ऊपर का रेंज और नीचे के साइड में कितना रेंज बनेगा 47,000 लगभग 400 का। अगर मार्केट इसके रेंज के अंदर रहता है, इस रेंज के अंदर रहता है मतलब 600 पॉइंट का रेंज आपको मिल गया, 600 पॉइंट का रेंज आपको मिल गया, सबसे बड़ा पैसा जो स्ट्रैडल में मिलता है ना वो मिलता है ज्यादा अगर मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करे, एक ही बीच में अंदर अंदर मार्केट ऊपर नीचे करता रहे। मतलब क्या है, मैं थोड़ा सा फ्रेम को छोटा कर देता हूं ताकि मुझे आपको थोड़ा सा और सिखाने में। देखो यहाँ पर रेंज क्या निकाली हमने, 48,000 का रेंज है और नीचे के साइड में मेरे पास क्या रेंज है, 47,400 का रेंज है और हम कहां पर बैठे, यहाँ पर 47,700 में हम बैठे। मतलब ये लेवल के अंदर अंदर अगर मार्केट कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से अगर करता रहा तो यहाँ पर प्रीमियम डीके बहुत ज्यादा होने लगेंगे और उसका बेनिफिट हमें मिलता है। अब प्रीमियम डीके कैसे होते हैं नहीं पता, मैं समझा देता हूँ। सोचो 47,700 का हमने कॉल सेल किया और 47,000 का 700 का हमने पुट को सेल किया। अब मार्केट क्या करता है, यहां पर क्रिएट करता है 47,700 का एक रेंज। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे मोमेंटम कर रहा है। मार्केट कंटिन्यूअसली इसी रेंज के अंदर अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हमें पैसा कैसे बनेगा, हमारा पैसा कैसे बनेगा, हमारा पैसा क्या बनता है, सोचो कि 47,000 का जो पुट है और कॉल, कॉल हमने जब सेलिंग किया था वो 400 रुपए पे सेल किया था, 400 रुपए पे सेल किया था, ये टाइमिंग था 9:30 राइट। और यहां पर हमने 400 रुपए पे सेल किया था, 400 रुपए पे सेल किया था और यहां पर इसका भी टाइम था सेम था 9:30 राइट। अब आप देखिए कि अगर मार्केट यहां पर हमने जब सेल किया तब ये कॉल, तब ये कॉल 400 रुपए पे था, 10 बजे ये कॉल ऊपर चला गया, ये कॉल चला जाएगा ऑब्वियसली बात है, ऊपर तो चला जाएगा तो नुकसान होगा, लेकिन पुट ये भी तो नीचे आएगा तो प्रॉफिट होगा। जो टाइम की वैल्यू होती है ना वो एक्चुअली में आपका पैसा देती है। कॉल यहां पर हमने सेल किया, यहां पर गया 450 पे, यहां पर आया 340 पे आया, वापस यहां तक पहुंचा। अब कहां तक पहुंचेगा कॉल ऊपर के लेवल पे, क्या ये सेम 450 पे जाएगा कॉल, ऑब्वियसली नॉट। कितना पे जाएगा, 400 रुपीज, 430 रुपीज, 420 रुपीज, ये जगह बजाएगा। मतलब 20 रुपीज का डिफरेंस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये 9 बजे हमने सेल किया, 9:30 बजे और यहां पर बजे है कितने 11, तो इसकी जो बीच की जो टाइमिंग की वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि मार्केट इसी बीच में घूमता रहेगा। इसकी वैल्यू मतलब जो 450 का हुआ करता था अब ओनली 420 का ही हाई लगा चुका है, अब ओनली 420 रुपीज का हाई लगा चुका है। इसका ही बेनिफिट हमें मिलता है स्ट्रैडल में ज्यादातर केसेस में, यही बेनिफिट हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट देके चला जाता है, 420 पे चल जाएगा। तो अब पहला नुकसान कितना हो रहा था 50 रुपीज का, अब नुकसान हो रहा है ओनली 20 रुपीज का, लेकिन पुट में तो सेम ही होगा ना, 11 बजे यही पुट मेल्ट ही होगा, तो ये पुट और ये कॉल दोनों मेल्ट होते रहते, ऊपर नीचे करते करते मेल्ट होते रहते और उसके बीच का जो डिफरेंस आएगा 3 बजे मार्केट क्लोजिंग के टाइम पे वो आपका प्योर प्रॉफिट होता है, प्योर प्रॉफिट। एक लॉट के साथ अभी कभी करके देखिए तब आपको पता चलेगा इसकी क्लियरिटी क्या आती है। एक लॉट के साथ अगर आपको सेल करना है तो लगभग मुझे लगता है 1.20 लाख के आसपास आपके पास कैपिटल होना चाहिए, तभी जाकर आप ये पोजीशन क्रिएट कर सकते हो, उसके पहले नहीं क्रिएट कर सकते। यहाँ पर क्या होता है कि स्ट्रैडल में मार्केट को बीच में रखना होता है, जैसे कि मैं लाइव एग्जांपल लेके चलता हूं आपको तो थोड़ा सा आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगा। हम बैंक निफ्टी का एग्जांपल लगा देते हैं ताकि हमें ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश कर दे, क्योंकि निफ्टी में थोड़ा सा क्या हो जाता है, मोमेंटम स्लो रहता है, तो उससे क्वांटिटी को मैनेज करना, यहाँ पर बैंक निफ्टी को थोड़ा सा करते, बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा इजी रह जाएगा। ओके, इतना। ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है, अभी क्या हो सकता है 47,700 पे हम मार्केट के पास ट्रेड कर रहे हैं, एट द मनी में ट्रेड, एट द मनी में। अगर मुझे इस फेजेस में स्ट्रैडल क्रिएट करना है तो मुझे प्रॉफिट का होगा, लॉस का होगा, इन चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए मेरे पास अब 47,700 पे रियल टाइम में मेरे पास अगर प्रीमियम, मुझे अगर 300 रुपीज का प्रीमियम मिल रहा है, 300 रुपीज मुझे प्रीमियम मिल रहा है, तो दोनों मिलकर ये 300 और ये 300 दोनों मिलकर मैंने कितने टोटल सेल किए, कितने प्रीमियम को सेल किया, मैंने टोटल प्रीमियम को जो सेल किया, जो मेरा टोटल प्रीमियम हुआ यहाँ पर हुआ वो हुआ 600 रुपीज का, मैंने टोटल 600 प्रीमियम मेल किया, सॉरी सेल किया। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में अगर मार्केट इसी रेंज में रहा जहां पर मैंने बनाया है, मार्केट कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, इसी तरीके से रेंज में वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहा, तो मैंने 600 रुपीज का जो प्रीमियम शॉर्ट किया है दोनों का कुल मिलाकर लगभग 600 रुपीज का मैंने क्या किया है,
टोटल 600 रुपीज मैंने सेल कर दी है। अब इस 600 रुपीज में दोनों को मिलकर प्रीमियम का डीके कितना होता है, थीटा गामा डेल्टा, इसको सबका कैलकुलेशन निकाल कर मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो डेली के एंड में मुझे गेन मिल जाएगा। लगभग अगर सोचो इन दोनों के बीच मार्केट वॉलेटिलिटी क्रिएट करता, कहीं ऊपर नहीं गया, बीच में पड़ा रहा, जैसे कि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। अगर मैं मुझे जिस तरीके से लग रहा है कि बैंक निफ्टी आज यहाँ पर ट्रेंडिंग नहीं हो सकता, मार्केट इसी के अंदर अंदर एक्सपायर हो सकता है, अगर मार्केट इसी के अंदर अंदर एक्सपायर हो सकता है, इट इज हाईली पॉसिबिलिटी, तो मुझे प्रीमियम का बेनिफिट पूरा पूरा मिल जाएगा, पूरा पूरा बेनिफिट। कैसे सोचो, यहाँ पर अभी कितना हो सकता है, लगभग लगभग 47,700 का जो कॉल और पुट होगा वो लगभग लगभग होगा 150 + 150 होगा, तो टोटल प्रीमियम में कितना दूंगा, यहाँ पर टोटल प्रीमियम मेरे पास में सेलिंग के लिए दूंगा वो 300 रुपए का प्रीमियम दूंगा। अगर 300 रुपए का टोटल में प्रीमियम दे रहा हूं, अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जाता है, कहीं पर भी नहीं जाता है, तो 47,700 का कॉल और पुट क्या हो जाएगा, कंप्लीटली जीरो, कंप्लीट जीरो हो जाएंगे, और ये 300 का प्रीमियम मेल्ट होके बन जाएगा, कंप्लीट जीरो बन जाएगा, और मैं दोनों साइड का प्रॉफिट जनरेट कर सकता हूं, दोनों साइड का प्रॉफिट मिला। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सॉरी, अगर ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता तो क्या हो सकता है, सोचो मार्केट यहां पर खड़ा, मार्केट यहां से नीचे गिर गया, मार्केट नीचे गिर गया तो क्या हो जाएगा, एक साइड में जो मैंने 150 रुपए का पुट सेल किया था वो पुट अभी बढ़ जाएगा, ऊपर के साइड में बढ़ जाएगा, लेकिन पुट जो बढ़ेगा, आज एक्सपायरी भी तो है, तो उसको बढ़ने के लिए भी लिमिटेशन है, गिरने के लिए भी लिमिटेशन है, गिरने के लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, जीरो हो सकता है, लेकिन बढ़ने के लिमिटेशन है। सोचो 47,000 का 700 का पुट जो है, ये जो पुट है और ये कॉल है, अगर ये पुट है, ये पुट मार्केट अगर यहां से नीचे गिर गया तो ये पुट कितना ऊपर चला जाएगा, कितना ऊपर चलेगा, 150 रुपए का पुट चला जाएगा, 150 का चला जाएगा, कहीं ना कहीं लगभग लगभग 250 को पकड़ लेते, चलो 100 रुपए का यहाँ पर प्रीमियम का मेल्ट हुआ, 100 रुपए का आपको बेनिफिट मिला यहाँ पर, 100 रुपए का, लेकिन जो कॉल है वो कितना गिरेगा, अगर मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ 47,700 के नीचे मार्केट चला गया तो कॉल कितना शॉर्ट हो गया हमने, कंप्लीट 150 रुपीज में, 150 रुपीज पे सेल किया हमने, हमें प्रॉफिट कितना मिल जाएगा यहाँ पर, कंप्लीटली 150 रुपीज का प्रॉफिट मिल जाएगा, कंप्लीट 150 रुपीज का, क्योंकि वो जीरो ही होना है, आज एक्सपायरी है तो 700 के नीचे रहा मार्केट, फिनिश, आपको पूरा प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हुआ एक्चुअल में जाकर, यहां पर 100 रुपीज का नुकसान, यहां पर 100 रुपीज का लॉस, पुट में 100 रुपीज का लॉस और कॉल में 150 रुपीज का प्रॉफिट, टोटल कितने प्रॉफिट में आ गए आप, 50 रुपीज ऑफ प्लस में, एक बार में पोजीशन क्रिएट कर दिया 50 रुपीज प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड अ स्ट्रैटेजी, दोनों साइड में, लेकिन ऐसा नहीं होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बना देते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग, देखो इसमें क्या हो सकता है और क्या हो सकता है, सेम 150 का सेल किया है, मार्केट इधर गया, यहां से फिर बाउंस किया और यहां पर आकर बीच में क्लोज हुआ, मतलब 47,400 तक मार्केट गया और जाकर क्लोज हुआ 47,500 पे क्लोज हुआ, इंटरेस्टिंग बन जाएगा, देखो कैसे, ये कॉल 150 रुपीज कॉल, पुट 150 रुपीज पुट, इंटरेस्टिंग देखो, अब मजा आएगा, 47,700, अब ये जो कॉल है इसको तो जीरो ही होना है किसी भी हालत में, क्योंकि मार्केट अगर एक पॉइंट भी 47,700 से नीचे क्लोज हुआ, एक पॉइंट भी, तो भी ये कॉल पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो, राइट, तो यहां पर आपको कितना मिलेगा प्रॉफिट, 150 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन वही अगर ये पुट 47,700 से नीचे गिरा और वापस अगर 400 पे गया, मजा देखो कैसे आएगा, आपने 150 रुपीज पे हमने सेल किया था, ये ऊपर चला गया 250 पे, मार्केट नीचे गिरा, पुट ऊपर बढ़ा, मार्केट क्या किया, यहां पर आकर क्लोज हुआ, तो ये पुट कहां क्लोज करेगा, ये पुट यहां पर आकर कहीं पर क्लोज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये ऊपर 100 पॉइंट गया है, मतलब ये लगभग लगभग 70 पॉइंट तो नीचे गिरेगा, 60 पॉइंट तो गिरेगा, 50 पॉइंट तो गिरेगा, अगर ये 50 पॉइंट नीचे आकर क्लोज हुआ, मतलब 150 से ऊपर गया, यहां पर चला गया और लगभग लगभग ये आकर बीच में क्लोज हुआ 200 या फिर 180 पे क्लोज हुआ, तो हमें यहां पर एक्चुअली में प्रॉफिट नुकसान कितना हुआ, अभी इस केसेस में हम पकड़ के चलते कि चलो लगभग हम 40 रुपीज का नुकसान हुआ, पकड़ के चलते 40 रुपीज का नुकसान हुआ, पुट में ओनली 40 रुपीज का ही नुकसान हुआ है और कॉल वैसे भी जीरो होना है,
तो कितना प्रॉफिट बन जाएगा इस केस में? इस केस में आपका प्रॉफिट बन जाएगा 110 रुपीज। ये नेट प्रॉफिट है, और यहां पर मैंने फुट की साइड में लिख दिया, यहां पर 40 रुपीज का आपको लॉस हो गया। तो टोटल मिलाकर टोटल कितना हुआ इन दोनों का? इन दोनों का टोटल आपके पास निकल के आएगा पॉकेट में 110 रुपीज। समझ गए स्टार्ट? इसीलिए मैंने बोला वन में नीचे गिरा नुकसान हो सकता है, अगर मार्केट इसके नीचे भी गया कंटिन्यूशन गिरते हुए, तो 150 का जो पुट सेल किया है वो जबरदस्त तरीके से ऊपर शूट हो जाएगा। ये एग्जांपल समझ गए तो दूसरा एग्जांपल बता दो। इतना समझ गए कि मार्केट इसके बीच में अगर क्लोज हुआ मुझे प्रॉफिट बन जाएगा दोनों साइड में। अब मैं आपको और एक सिनेरियो दिखा देता हूं कि जहां पर 47,700 का कॉल और पुट पी, ये सारे सिनेरियो दिखा रहा हूं ताकि कब लॉस होगा ये पता चले और कब प्रॉफिट होगा ये भी पता चले। सोचो ये गिरा यहां तक, ये कहां तक चला जाएगा? 47,200 तक चला गया अगर पुट मार्केट चला गया। हमने कितने में शॉर्ट किया? 47,700 कॉल और पुट। अब लॉस कैसे होता है देखिए, अब 47,700 का कॉल कितने रुपए पे सेल किया है? 150 रुपीज पे। अब ये होकर कितना हो जाएगा? जीरो ही तो होगा, इससे ज्यादा तो नीचे जा नहीं सकता, माइनस में तो जाने का कोई चांस ही नहीं है। मतलब मुझे कॉल में जो प्रॉफिट है वो फिक्स है, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो कॉल में मेरा जो प्रॉफिट था वो 150 रुपीज फिक्स हो चुका है लॉक। लेकिन पुट का लॉस लिमिट नहीं है ना, क्योंकि 700 से नीचे अगर बैंक निफ्टी गिरा और 200 पे गया तो कितने पॉइंट गिरा? 500 पॉइंट बैंक निफ्टी गिरा। तो उस केस में पुट तो ऊपर जाएगा ना, अब 500 पॉइंट नीचे गिरा है तो लगभग लगभग आपका पुट कितना ऊपर जाएगा? लगभग लगभग व्हाट एवर एनी केसेस 250 पॉइंट, 50% पकड़ लेते ज्यादा नहीं, 50% 250 पॉइंट ऊपर जाएगा, ये पुट बढ़ जाएगा ग्रीन। कितना? ये 250 पे चला जाएगा। नुकसान कितना हुआ? 150 रुपीज कमाए, 250 रुपीज बढ़ाए। लॉस 150 रुपीज का लॉस, 100 रुपीज 150 रुपीज का 250 रुपीज पे चला गया। नहीं, 250 रुपीज बढ़ेगा तो लगभग लगभग ये पुट चला जाएगा कौन से फेक कहां तक? ये पुट चला जाएगा 150 रुपीज को अगर मैं 200 रुपीज एड ऑन करता हूं तो लगभग लगभग यहां पर आप 200 रुपीज एड ऑन कीजिए, 0, 5 एंड 3, ये चला जाएगा 400 रुपीज पे। अगर ये 250 रुपीज बढ़ा तो 400 रुपीज पे तो नुकसान ही नुकसान है ना। एक साइड में मैंने कमाया 150 रुपीज, जीरो हो गया, ये कॉल जीरो हो गया तो 150 रुपीज कमाया, लेकिन यहां पर 150 रुपीज का सेल किया था 400 पे चला गया, 200 रुपीज मैंने लॉस किया, या फिर 250 रुपीज मैंने लॉस किया, तो 100 रुपीज का टोटल 100 रुपीज का आपको यहां पर लॉस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट आपके रेंज से बाहर चला गया। इसको बोलता जाता है स्ट्रैडल। स्ट्रैडल में पैसा कब बनता है? जब मार्केट आपके रेंज में रहता है। अगर आपके मार्केट रेंज से बाहर चला जाता है तो उसको एक तो कहीं ना कहीं डायरेक्शन मोमेंटम के लिए उसको शिफ्टिंग किया जाना चाहिए, उसको एडजस्टमेंट बोलते हैं हम। उसको एडजस्टमेंट करके अपनी पोजीशन को चेंज करके, जब आप पोजीशन नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग में रखा था, स्ट्रैडल का मतलब ही क्या होता है? स्ट्रैडल का मतलब होता है नॉन डायरेक्शनल ट्रेडिंग। नॉन डायरेक्शन ट्रेडिंग, कोई आपका डायरेक्शन नहीं है मार्केट का, आपका क्लियर व्यू है कि मार्केट इसी रेंज के अंदर अंदर वॉलेटिलिटी क्रिएट करके मार्केट क्लोज करेगा, या आपका कंप्लीटली यहां पर एक प्रिडिक्शन है, कंप्लीटली आपका यहां पर एक मार्केट का एनालिसिस है कि मार्केट आज इसी की रेंज के अंदर रहेगा, मार्केट इससे बाहर नहीं जा सकता। आप जितने टाइम से मुझे देख रहे हो आपको सबको पता है कि मेरी एक्यूरेसी क्या है। अगर एवरी डे पे मैं आकर स्ट्रैडल करता हूँ चीजों को एनालिसिस करके मेरी पोजीशन को, तो क्या प्रॉफिट नहीं मिलेगा? श्योर शॉट बनेगा। लेकिन मैं ऑप्शन बाइंग क्यों करता हूं 99%, क्योंकि मेरे जो मुझे जो ज्यादातर लोग बोलते हैं वो सारे ऑप्शन बाय है। अगर मैं उनको ऑप्शन बाइंग सिखाता हूं तो मुझे खुद भी करना चाहिए, मैं ऑप्शन सेलिंग करूं और आपको सिखाऊं, ये गलत तरीका होता है। लेकिन एक बात याद रखो, आप ऑप्शन बाइंग करो या फिर सेलिंग करो, दोनों चीजें कुछ भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सारा खेल टाइमिंग का है और प्राइस का है, मोमेंटम का है। टाइमिंग का मतलब क्या? शार्प मोमेंटम आया, कॉल में मोमेंटम बढ़ेगा, पैसा बनेगा। अगर मार्केट साइडवेज चला गया तो ऑप्शन बाइंग में नुकसान हो जाएगा, वही ऑप्शन सेलिंग में फायदा हो जाएगा। इसी को बोला जाता है टाइमिंग को मैनेज करके मार्केट को अंडरस्टैंड करना, दैट्स कॉल्ड ऑप्शन ट्रेडिंग।
समझ गए शायद में एग्जांपल के लिए, अगर यही सिनारियो हम ऊपर की साइड पकड़ लेते किस तरीके से होगा, अगर नुकसान होता तो कैसे हो सकता है? सेम 47,700 का कॉल, सेम कॉल पुट अगेन सेम 150 रुपीज, 150 रुपीज सेल कर चुके हैं हम। अगर मार्केट यहां से बढ़ा और यहां तक पहुंचा, लगभग लगभग 48,000 पे पहुंचा, बैंक निफ्टी के ऊपर चला गया, तो कॉल कितना ऊपर बढ़ जाएगा? 150 रुपीज का, मतलब ये 300 पॉइंट बढ़ा, तो प्लस कर लेते कॉल 300 रुपीज पे चला जाएगा। लेकिन पुट कितना चला जाएगा? पुट तो जीरो ही होना है ना, पुट तो जीरो ही होना है। और आप सबको पता है बैंक निफ्टी जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो कैसे जाता है? स्लो एंड स्टेडी, कछुए की चाल पकड़कर मार्केट ऊपर जाता है। यहां पर सेलिंग में आ रहा था शार्प आया, सेलिंग में आ रहा था शार्प आया, अपसाइड जाते समय रोते 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 रोते। अगर मार्केट यहां से 150 रुपीज का कॉल, 150 रुपीज का कॉल अगर यहां से मार्केट ऊपर चला गया तो ऑब्वियसली बात है 150 रुपीज का कॉल 300 रुपीज पर चला जाएगा, यहां पर आपको 150 रुपीज का लॉस हो जाएगा और यहां पर ये जीरो होकर यहां पर 150 रुपीज का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन जैसे सिनारियो हमने समझा था लास्ट में, यहां तक पहुंचा, बस एक कैंडल भी यहां पर आकर क्लोज कर गई 47,900 में, ये कॉल है ना जगह पर आ जाएगा वापस से। सेम ये कॉल अब इस केस में 300 रुपए पे जो चला गया है ना, वो यहां पर घूम के वापस सेम जगह पर आएगा, लगभग लगभग 150 रुपए पे हमने बाय किया था ना, 150 रुपए के आसपास हमने उसको बाय सेल किया था, ये कॉल वापस आ जाएगा लगभग अब लगभग आपका 190 पे चला जाएगा। जो 300 रुपए पे चला गया होता 100 रुपए धड़ाधड़ गिरेगा, 100 रुपए पे 100 नहीं चलो 100 रुपए छोड़ो, 100 नहीं पकड़ते चलो थोड़ा सा पकड़ लेते, लगभग लगभग हम पकड़ लेते ये 210 पे चला गया, हमारा कितना नुकसान हो जाएगा फिर यहां पर? 60 रुपए का नुकसान, 60 रुपए का लॉस कॉल साइड में और 150 रुपए का प्रॉफिट पुट साइड में। टोटल कितने गेन कर लिया हमने? कितने गेन कर लिया? ये लगभग यहां पर 90 रुपए, 90 रुपए हमने गेन कर लिया फिनिशिंग। क्यों? क्योंकि मार्केट हमारे रेंज में था, मार्केट रेंज छोड़कर बाहर चला जा रहा है बहुत ज्यादा, हमारा लॉस हो जाएगा। मार्केट रेंज छोड़कर बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है, हमारा लॉस हो जाएगा। अब इसी स्ट्रैडल को एडजस्टमेंट करके नॉन डायरेक्शनल से डायरेक्शनल भी किया जाता है, लेकिन मैं कोई सजेशन नहीं करता हूं, क्योंकि वो डायरेक्शन गलत जगह पर शिफ्ट करना, अगर गलती से भी आपने ऐसा कुछ किया, मतलब यहां पर आप सेल करके बैठे हो, मार्केट यहां तक गया है, तो मैं क्या करता हूं, पुट पुट जो सेल किया वो निकाल देता हूं एंड कॉल जो सेल किया वही होल्ड करता हूं। अगर आप ऐसा सोचकर बैठोगे, अगर मार्केट यहां तक आया, आपने कॉल पुट जो शॉर्ट किया उसको छोड़ दिया एंड अगर गलती से भी मार्केट ऊपर चला गया, तो आपका नुकसान और ज्यादा बढ़ जाएगा। आप क्या सोचोगे? यही तो सोचोगे ना, 47,700 का कॉल मैंने सेल किया है और मैंने पुट भी सेल किया है, अगर मार्केट यहां तक पहुंचा है तो मैं क्या करता हूं, पुट में जो मेरा नुकसान हो रहा है 150 रुपए का जो लॉस हो रहा है, मैं क्या करता हूं, इसको एग्जिट कर देता हूं और कॉल और गिरने देता हूं। अब कॉल कितने पे पहुंचा होगा उस समय? कॉल पहुंचा ही होगा उस समय 30 रुपए सेल करके। अब आपका यहां पर प्रॉफिट हो रहा है 120 रुपए का, गलती से भी बैंक निफ्टी यहां से घूमा तो 30 रुपए का प्रॉफिट, ये जो आपका 30 रुपए पे कॉल आया था 120 का प्रॉफिट हो रहा था, वो वापस माइनस हो जाएगा, वो वापस ऊपर आएगा। पुट में ऑलरेडी आप एग्जिट कर चुके हो, 150 रुपए ऑलरेडी आपने लॉस बुक किया है, मतलब यहां पर 150 रुपए का लॉस ऑलरेडी हो रहा है और यहां पर जो प्रॉफिट आपको 120 रुपए का हो रहा था वो भी माइनस हो जाएगा और यहां पर ये आ जाएगा 80 रुपए पे वापस से, आपको 80 रुपए का ही प्रॉफिट दिखाएगा, 80 रुपए का प्रॉफिट दिखाएगा। तो ऑलरेडी आप 150 रुपए लॉस में क्लोज कर चुके हो, 150 रुपए आप ऑलरेडी लॉस में हो, ऊपर से यहां पर कितना कमाया? लगभग 70 रुपए ओनली कमाया, ओनली 70 रुपए कमाया, दिस इज प्रॉफिट। तो वापस कितना? 80 रुपए आप फिर भी लॉस में। मुझे पता है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा पहली बार में समझने के लिए, इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार देखिए तभी तो जाकर समझ में आएगा, इतनी इजीली नहीं समझ में आने वाला, इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ये चीज है, इतना इजी नहीं है कि एक ही बार में समझ जाओगे। इस वीडियो को कम से कम 4-5 बार देखिए तब आपको पूरी क्लियरिटी आएगी कि मैं बोलने के वाला हूं, क्या समझ रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इसको एडजस्टमेंट कैसे किया जाता है ये चीज को देखेंगे, और राइट डायरेक्शन राइट क्या होता है, कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, इन सारी चीजों को मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कवर करने की कोशिश करूंगा।
लेकिन नेक्स्ट वीडियो मैं तभी बनाऊंगा जब आप इस वीडियो पे भर भर के प्यार दोगे। इतना डिटेल्स में नॉलेज आपको मिल रहा है सीखने के लिए, तो उस पर अगर आप ज्यादा प्यार देते हो तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो पे सब लोगों के कम से कम इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट रख देते हैं। तो चलो देखते 1000 लाइक का इस वीडियो पे टारगेट रख देते। अगर आपने 1000 लाइक कर दिया इस वीडियो पे तो नेक्स्ट पार्ट में जरूर बनाऊंगा और कल के दिन ही आपको डाल दूंगा। आज के दिन तक ये वीडियो को 1000 लाइक करवा दीजिए। कल एक गैप के बीच में, मतलब आज ये वीडियो डाल रहा हूँ तो 2 दिन के बाद ये वीडियो में आपको उसका नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। बस आपका है कि 1000 लाइक्स आपको दे देने आज के वीडियो में। इतना तो समझ चुके होंगे कि स्ट्रैडल कैसे क्रिएट किया जाता है, स्ट्रैडल कब पैसा बना के देता है, कब स्ट्रैडल में लॉसेस बनते हैं और कब उसको होल्ड करना होता है और कितने टाइम तक होल्ड किया होता है। सबसे ज्यादा जो प्रीमियम डीके होते हैं मार्केट में वो होते हैं लगभग लगभग आपके नियर अबाउट कहीं ना कहीं 1 बजे के बाद सबसे ज्यादा प्रीमियम डीके होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसका बेनिफिट आपको स्ट्रैडल का मॉर्निंग में पहले 1 घंटे में ज्यादा डीके होते हैं 5 घंटा में, और उसके बाद जाकर स्ट्रैडल का जो स्ट्रैडल मतलब ऑप्शन के जो प्रीमियम है वो कहीं ना कहीं 1 बजे के बाद ज्यादा फास्ट होने लगते हैं, डीके होने लगते हैं और उसका आपको बेनिफिट मिलने लगता है। तो उस चीजों को यूज करना है आपको ज्यादा से ज्यादा। कोई भी सिस्टम अगर आप यूज करते हो तो उसके पीछे के सारे ड्रॉबैक आपको पता होने चाहिए। आपका प्रॉफिट कितना होगा ये बाद में देखा जाएगा, पहले आपको नुकसान कितना होना चाहिए देखना चाहिए। अब आप इसमें लॉसेस कितने ले सकते हो, लिमिटेशन क्या होना चाहिए। स्ट्रैडल में नॉर्मली 50% लॉसेस को लिया जाता है। मतलब अगर हमने यहाँ पर 150 रुपीज का सेल किया है, 150 रुपीज का हमने सेल किया तो टोटल 300 रुपीज हमने टोटल प्रीमियम दिया है मार्केट को सेल के लिए। टोटल 300 रुपीज प्रीमियम हमने मार्केट से लिया है तो हमारा यहाँ पर स्टॉप लॉस कितना होगा। आपका यहाँ पर स्टॉप लॉस होता है 150 रुपीज का स्टॉप लॉस होता है। अगर आपको दोनों साइड को मिलता 300 रुपीज, आपको एक डायरेक्शन में नहीं सोचना है, आपने टोटल 300 रुपीज का सेल किया है मार्केट में तो उसको आपको 150 रुपीज आपका स्टॉप लॉस होगा, 50% स्टॉप लॉस लगाया जाता है। आपको लोग बोलेंगे सर ज्यादा हो रहा है, कुछ नहीं कर सकते, यही सिस्टम है, यही बोलता है स्ट्रैडल का रूल, कितना लॉस लेना है इसका फिक्स होना चाहिए इतना ही। 50% अगर प्रीमियम आपके फेवर में जा रहा है, आपके अगेंस्ट में जा रहा है, आप उस पोजीशन को एग्जिट कर सकते हो या फिर उसको पोजीशन को कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट नॉन डायरेक्शन टू डायरेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ये भी चीज होती है। लेकिन जब तक आपको मार्केट का पूरी तरीके से नॉलेज नहीं है तब तक गलती से भी जाकर इस पोजीशन को जाकर गलती से भी डायरेक्शन में कन्वर्ट मत करना। लॉस हो रहा है बुक कर लो निकल जाओ वहां से। 50% का नॉर्मली स्ट्रैडल में स्टॉप लॉस लगाया जाता है। अगर 150 रुपए का नुकसान हो गया, 300 रुपए का प्रीमियम सेल किया, 150 रुपए का नुकसान हो गया, इसका मतलब है कि मार्केट आपके रेंज से बाहर जा रहा है, मतलब इस रेंज से मार्केट आपके बाहर जा रहा है। ये जो आपकी रेंज है इसके बीच में मार्केट को रहना चाहिए। इस रेंज से एक तो ऊपर जा रहा होगा मार्केट नहीं तो नीचे जा रहा होगा, इसलिए आपको 150 रुपए का नुकसान होगा। तो इस पोजिशन को छोड़ के निकल जाओ, एग्जिट कर लो, ये लॉस बुक कर लो, क्योंकि लॉस लिमिट में होना चाहिए और वो हो चुका है आपका। That's it. Exit the position. We'll see the another day. इतना ही सिंपल होता है। एनालिसिस को की पहले करो, उसके ऊपर वर्कआउट करो, प्लान पहले रेडी करो, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ मार्केट से, कितना लॉस मार्केट को दे सकता हूँ, इन चीजों को कंप्लीटली रेडी करो। लेकिन उसके लिए आपके पास व्यू होना चाहिए कि आज के दिन पे मार्केट साइडवेज ही एक्सपायर होगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। आज के दिन पे मार्केट ऊपर जाएगा ही नहीं ये पहले ही पता होगा। मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ ना, आपको तो पता ही है मेरी एनालिसिस, आप सबको पता है मैं देखता हूँ। क्या देखते हो, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर मार्केट ऊपर गया, हमने क्या प्लान बना के रखा था, मैंने कुछ स्ट्रैडल किया था इस दिन, आपको बताया भी था मैंने पोजीशन में, मैंने यहाँ पर स्ट्रैडल क्रिएट करके रखा था। मार्केट ऊपर गया, मुझे कोई डर नहीं है, मेरे रेंज से बाहर जा रहा था, मुझे कोई डर नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी एनालिसिस मेरी बोल रही थी कि मार्केट ऊपर जाकर फेल होकर वापस नीचे आने वाला, सॉरी ये डे पे नहीं, ये डे पे लगभग ये डे के अंदर कोई एक डे का मार्केट, यहां पर मैं स्ट्रैडल क्रिएट कर रहा हूं, स्ट्रैडल क्रिएट करते ही मार्केट नीचे चला गया, मुझे नुकसान हो रहा होगा, यहां पर आया मुझे फिर से प्रॉफिट हो रहा होगा, फिर नीचे गया फिर लोग नुकसान हो रहा होगा, यहां पर आया तो मुझे सबसे बड़ा प्रॉफिट होगा, यहां पर बिगेस्ट प्रॉफिट दिखेगा मुझे, बिगेस्ट प्रॉफिट। अब मुझे यहां पर बिगेस्ट प्रॉफिट क्यों दिखेगा, यहां पर मैंने स्ट्रैडल क्रिएट किया था, नीचे गया मेरा नुकसान हुआ, ऊपर आया मेरा प्रॉफिट हुआ, फिर नीचे गया मेरा नुकसान हुआ, फिर ऊपर आया, आई एम डैम गुड, मुझे यहां पर बिग प्रॉफिट दिखेगा, बिग प्रॉफिट क्यों, बिग प्रॉफिट, यहां से जो कॉल सेल किया होगा वो यहां तक गया, फिर ऊपर आया, फिर यहां तक गया, फिर ऊपर आया, तो कॉल में इसके बीच में इतना टाइम में, मतलब अगर ये 9 बजे मैंने क्रिएट किया है पोजीशन 9 बजे, अगर ये टाइम, अगर ये टाइम 1 बजे का है, 1 PM का है, तो इसके बीच में कितना टाइम है, 9, 10, 11, 12, 1, 4 घंटे, 4 आवर्स, इस 4 आवर में जितना प्राइस प्रीमियम डीके होगा होगा उसका सारा बेनिफिट मुझे मिलेगा, और इसमें दोनों साइड का प्रीमियम मिलेगा मुझे।
मतलब यहां पर मुझे कौन सा पुट का भी डीके मिलेगा, कॉल का भी डीके मिलेगा और दोनों का बेनिफिट मिलेगा। टाइम की वैल्यू मेरे फेवर में चली गई, टाइमिंग मेरे फेवर में चला गया, मार्केट क्योंकि कहीं पर भी नहीं गया, एक ही रेंज के अंदर अंदर चला गया, आई एम गोइंग टू मेक ह्यूज मनी, दोनों साइड से पैसा बनाऊंगा। लेकिन ये डे कौन सा है उसके ऊपर सारा कुछ पिक्चर डिपेंड है। अगर ये डे फ्राइडे का दिन होगा ऑब्वियसली मैं ज्यादा प्रॉफिट नहीं गेन करूंगा, क्योंकि फ्राइडे के दिन पे ज्यादातर ज्यादा प्रीमियम डीके नहीं होते हैं इसकी वजह से। लेकिन अगर ये डे मंडे से लेकर अगर एक्सपायरी, अगर मैं बैंक निफ्टी की एक्सपायरी देखता हूं तो वेडनेसडे का, अगर ये मंडे से लेकर वेडनेसडे के दिन पे अगर ऐसा होता है ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू मेक ह्यूज मनी। अगर एक्सपायरी के दिन पे ये हो जाए तो ये पूरे प्रीमियम, मतलब 150 रुपीस का प्रीमियम सेल किया था, यहाँ पर 150 रुपीस टोटल मैंने 300 रुपीस को सेल करने के लिए दिया था, दोनों साइड का प्रॉफिट हो जाएगा क्योंकि मार्केट कहीं गया ही नहीं, एक ही जगह पर पड़ा रहा। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन द टाइम वैल्यू, डेज टाइम, कौन सा डे चल रहा है, फ्राइडे है, मंडे है, ट्यूजडे है, वेंसडे है, थर्सडे है, सब कुछ खेल टाइमिंग का है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आप सेलिंग करो या फिर बाइंग करो, सबका सारा खेल टाइमिंग का है, आपकी मोमेंटम का है, टाइम कितना आप स्पेंड कर रहे हो, कितना टाइम मार्केट ले रहा है एक पोजीशन पे, इसके ऊपर टोटली सारा कुछ डिपेंड है। होप आप समझ गए होंगे इतनी सारी चीजों को क्लियरिटी के साथ किस तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत सारे हेजिंग स्टोरीज पे बात करेंगे, बहुत सारे हेजिंग के सिस्टम पे बात करेंगे, मैं बहुत कुछ चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट करके बता देना, उस सारे टॉपिक पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मैं मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।